नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सन्नी यादव। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के किराकत क्षेत्र में। दोस्तों जैसा कि बता दूं, इस समय 2024 का चुनाव बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। ऐसे में हम जानते हैं पब्लिक का रिएक्शन, आखिर 2024 में अगला वोट, अगला प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे हमारी जनता, हमारे देश के लोग, और क्या प्रधानमंत्री 2024 में चेंज होंगे या फिर वही मोदी जी रिटर्न आएंगे। इस सब सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ पे एक समोसे की दुकान है किराकत के अंतर्गत। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी आपका? हमारा नाम छांगुर सरोज है, छांगुर सरोज जी। जैसा कि 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो ऐसे में आप लोग किस, क्या 2024 में किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो अभी वही होगा केंद्र का, जो इस समय शासन है मोदी सरकार। यहाँ इंडिया कांग्रेस में और राहुल गांधी में और अखिलेश यादव, क्या बात है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? अभी वो लोग चल रहे हैं, अभी वो लोग को चलना पड़ेगा। अच्छा। साल दो साल अभी चलेंगे तभी ना कुछ होगा। मतलब आपका सपोर्ट 2024 में मोदी जी सरकार, अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? राम किशमौर। आ जाओ पास। क्या नाम पड़ेगा? राम किशमौर। इस बार 2024 में किसको वोट करेंगे? मोदी को। क्यों? मोदी को क्यों करेंगे? उनका विकास है, काम बढ़िया करते हैं, काम बढ़िया। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? अखिलेश यादव के बारे में क्या हम कहें, मोदी सरकार अच्छा है, योगी सरकार अच्छा है। महंगाई तो लगा रहता है। तो फिर सरकार महंगाई किधर है? महंगाई नहीं है, दाल खरीद रहे हैं। कितने किलो मिल रहा है? 160। महंगाई नहीं है, सस्ती है। इसके पहले कितना था? कितना था बताइए? इसके पहले 2014 पहले कितना था बताइए? 200 रुपये के ऊपर था। कहाँ 200 था? 2014 के 200 था भैया, आप देखिए ना उठा के। 75 रुपये किलो दाल मिली थी आपको, बताओ। 2014 की पहले की बात कर रहा हूँ। तो महंगाई है, थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं। राहुल गांधी में क्या बात है, नहीं आप सपोर्ट करेंगे? वो भी काफ़ी अच्छे नेता हैं। अच्छे हैं मगर अपने को नहीं पसंद है। आपको नहीं पसंद है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया आप? राम किशमौर जी। जी और क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? राजेश यादव। किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2024 में? अखिलेश के। हाँ। मोदी में क्या बात है? मोदी फालतू आदमी है। फालतू। आज मोदी जी का बर्थडे है, उनका बर्थडे मना के का लिए हमन का खुदा ना मन पावत है। महंगाई को जैसे कहा बताओ ली भाई। अखिलेश यादव बन जाएंगे प्रधानमंत्री 2024 में? अरे ना बनिया, जनता बनाए कि हम बनाइए? अरे नहीं बनेंगे तो गठबंधन तो रहेंगे कम से कम, कुछ तो कोई पद पे तो रहेंगे। पहले का भाजपा लुटले है, उनकर चमचा लुटले हुए, और कहले का सरकार से खुश नहीं है? ना ना, यहाँ का संसद आज तक ले देखा ना कहले। अच्छा ना, यहाँ का संसद आज तक ले किराकत में क्यों देखी ना पुलिस के के? हाँ हाँ, बीपी सर सांसद यहाँ कभी दिखे नहीं भाजपा के। हाँ भाजपा के सांसद हैं। मतलब पूरा मूड बना चुके चेंज करने के? एकदम चौचा एकदम। 2024 में अखिलेश सरकार। मतलब अखिलेश प्रधानमंत्री बन जाएगा? प्रधान नहीं, मंत्री बन पाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए कोई विपक्ष में तो नहीं बैठेंगे। अच्छा। केंद्र में विपक्ष में तो बैठेंगे, यानी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन को? एकदम इंडिया को नहीं। क्या नाम पड़ेगा? संजय यादव। संजय जी किसको सपोर्ट करें? तो अखिलेश यादव। हाँ। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी के जो महंगाई है, जो ना दिक्कत हुआ है, हर जगह तो महंगाई है, चप्पल पर जो ना महंगाई चप्पल पर, तो मतलब खुश ना आएगा? ना ही यहाँ पे बता, 400 रुपया का सिलेंडर मिलता है। हाँ। आज कितने के मिले थे? समझ 1100 भरा, 200 रुपया कम, तब 900, तब बतावा अब बढ़ल कितना है बताइए? नहीं आप बताओ भैया कि 1100 जी, 400 जी, 700 रुपया बढ़ल, कम कितना भल? 200 रुपया कम, तब बतावा। जेकरे पहले नर रही तो आज तो से सब्सिडी कितना आवत पहले? पहले आता था उसका कुछ, तब आज अवल 58 रुपया क्यों 50 रुपया? अगर हमारे पहले ना हम उनसे कर्जा लिथला जो ना तो भराई अब 58 रुपया बदे जाए लाइन लगा के निकाले बदे, बताओ सरकार से कुछ ना ही? काफ़ी काम किए हैं बीपी सरोज। बीपी सरोज आए नहीं क्या इधर? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इधर आएंगे, हमारे एक वयस्क अंकल जी हैं, बहुत ज़्यादा हमारे दादा समान है, थोड़ा सा बात करेंगे। दादाजी सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? हरिलाल। थोड़ा सा 5 मिनट इसको रख दीजिएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है प्रधानमंत्री का, ऐसे में किसको सपोर्ट करेंगे आप? अभी तो कोई उसका प्रारूप नहीं बना है, कुछ तो डिसाइड किए होंगे कि हाँ चलो ने क्या डिसाइड किया जाए। अभी तो चुनाव में करीब करीब 180 से 200 दिन से जी है, तो अभी उसका कोई
चर्चा नहीं है। अभी तो जो परिस्थितियां सामने हैं उसी पर निपटा जा रहा है, समय आने पर उसका देखा जाएगा क्या होगा। सरकार अभी मोदी सरकार चल रही है 10 साल से, अगर आप इनकी सरकार से खुश होंगे तो भाई मोदी सरकार को, अगर नहीं खुश होंगे तो तब भी कुछ इस सरकार से खुश होंगे। भाई हम खुश सबसे हैं, काम हमारा हो रहा है, जो कर रहा है वही हम उसी से हम खुश होंगे, जो नहीं करेगा उससे हम थोड़ी खुश होंगे। हम हैं सरकारी कर्मचारी जी, जी। हमारे लिए तो सरकार ही सब कुछ है जी, जी। मतलब खुल के नहीं आएंगे, खुल के जाएंगे भाई, हमें तो पाबंदी है जी जी। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा यहाँ पे अंकल जी से, सामने से आइए अंकल जी से, उस साइड से आइए, उस साइड से सबसे पहले अंकल जी आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारे लिए का करवा भाई, अपन काम कर आइए ना, हम कुछ ना बताइए। अच्छा ठीक है, तो 24 में किसको वोट देंगे? हमारे जो कि मन हो तो दे दे, तो से बताए क्या करेंगे, तभी एक ओपिनियन पता चले। अरे कुछ बताए क्या मतलब है, जो कि दे कोई दे दे वाली चुमार के, मतलब गुत में रख करें। हाँ बहुत क्या बात है अंकल जी, गुत में क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? बस भैया वह बतिया हमारो हो, बतिया तो हाँ क्या बात है। मैं बता दूँ दोस्तों, कुछ लोग खुल के आ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा डर रहे हैं। और क्या नाम पड़े भैया? तबरेज अहमद। इस बार किसको सपोर्ट करते हैं 24 में आने के समय देखा जाए? बताइए कुछ टारगेट बना के चले होंगे ना कि हाँ जैसे इस सरकार से खुश है तो हाँ इन्हीं सरकार से थोड़ा सा गरीब लोग अपने आप में मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई जब सरकार को पड़ी नहीं तभी किसी को एक तो टारगेट बनाएंगे, सरकार आएगी तो फिर देखा जाएगा। अभी काफ़ी सरकार तो चल रही है, फिर चुनाव आ रहा है, सरकार चुनाव आने दीजिए ना फिर भाई, चुनाव आएगा तो फिर सरकार देख लेंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे तभी। एक सर एक बोल, कोई टारगेट नहीं है। क्या नाम पड़ी भैया? हमारा किस नाम पड़ेगा? क्या इस बार 2024 किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का मोदी सरकार के बारे में क्या कहना है? आज मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, क्या बात? कुछ नहीं बात है। मोदी अखिलेश यादव मतलब क्यों मोदी को नहीं पसंद करे, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है। नहीं अखिलेश यादव, ठीक अखिलेश यादव। हाँ दादाजी क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम धनराज हो गया। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे साइकिल, हमारे जन्म तीर्थ है भैया। अच्छा साइकिल सपोर्ट करेंगे बस, मोदी जी से जीता है। अच्छा मोदी जी से खुश नहीं है? ना ना मन ना चला के टांग देना दाल देखा तो वह मुहिम जाती ना। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? सबीर हाशमी। थोड़ा सा किसको सपोर्ट करें? तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी जी के बारे में तो काम तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें, अभी हम लोग शुरू से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग किए हैं और अच्छा उन्होंने किया है वो भी। मोदी की सरकार में विकास हुआ है या नहीं? हाँ विकास तो हुआ है, फिर भी अखिलेश सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा? विकास हुआ है, हम लोग क्या है, उनके भी सपा के भी राज में भी अच्छा ही हुआ है ना, अच्छा हम लोग के लिए अच्छा हुआ है। मतलब उनके महंगाई हुआ है इस कुछ से? महंगाई ठीक है, महंगाई क्या है तो ज़्यादातर जनता भी महंगाई बढ़ा देती है, अगर खुद उनका अगर सब्जी है वो अपनी मर्जी से बेचते हैं तो महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है। अगर चीज़ 10 रुपया बढ़ा किलो पीछे, ये लोग 20-30 कर देते हैं। टमाटर देखिए अचानक 150 से अब सीधे 20 रुपया किलो आ गया है, ठीक है महंगाई से। कहीं ना कहीं आपूर्ति के कारण महंगाई बढ़ी। हाँ बढ़ी है, जिस चीज़ की आपूर्ति कम होती है उसकी थोड़ा रेट बढ़, बाकी और सब कुछ सही है। धन्यवाद। कोकी लोग कहीं 50 रुपया तो कहीं 100 रुपया था, यह कुल महंगाई के हाउ का करिए। किसको सपोर्ट करेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे? हमने सपोर्ट भैया देखा ऐसा ना कि ये मत सोचा, हमने बिरादर भले हिला लेकिन आयरन के संगे रहला, हमने साइकिल पर साइकिल पे अखिलेश यादव। हाँ जी जी। कहाँ नाम पड़ी भैया? हमारा नाम रमेश मदनवाल है। इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? इस बार तो अखिलेश सरकार की सपोर्ट है, अखिलेश सरकार। जैसा कि आप बनिया कास्ट में आते हैं और बनिया कास्ट में बने लेकिन हम लोग त्रस्त हो गए हैं ना मोदी सरकार से। हाँ आज मोदी जी का जन्मदिन है, ठीक है जन्मदिन है उनके लिए, वो अच्छी अच्छी शुभकामना अच्छी हो बधाई हो, बात अलग है, लेकिन हम लोग जो है अपने धंधा हाल रोजगार से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इस बार अखिलेश सर। दोस्तों मैंने आपको जनपद जौनपुर के किराकत क्षेत्र में अपडेट दिखाया, हाल यहाँ के पब्लिक रिएक्शन ने मोदी को, कुछ लोग मोदी बोले कुछ लोग अखिलेश, हालांकि यहाँ पे अखिलेश यादव का ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। ऐसे में ये पब्लिक रिएक्शन कहीं ना 2024 में भारी पड़ सकता है NDA के ऊपर, और आज मोदी जी का जन्मदिन है उनके उपलक्ष में काफ़ी लोगों ने देख सकते जो कुछ कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट हमारी जनपद जौनपुर में फिलहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक लिए वाई टाटा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।